उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं ज़ीशान अहमद। जिस तरह हम देख रहे हैं कि मानसून का सिस्टम जो है वो सिंध में दाखिल हो चुका है और एक दो रोज़ पहले कराची के अंदर जो बारिश हुई है वो मानसून का पहला स्पेल था। ये दरमियानी शिद्दत का स्पेल था जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से लेकर 48 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, मगर बदकिस्मती से जो हमारा सिविल सिस्टम है वो इसमें भी जवाब दे गया। ख़ास तौर पर हमने देखा कि शादमान के इलाके में, नॉर्थ कराची के इलाके में और शहर के दीगर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर गटर उबल पड़े, नाले जो है ओवरफ्लो हुए और उसके बाद लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम भी देखा गया। गो के जो बड़ी सड़कें हैं, बड़ी शाहराएँ हैं, शाहराए फैसल है, शाहराए पाकिस्तान है, इसके अलावा आईए चंद्रीगढ़ रोड है, वहाँ पर सूरत हाल हमें कदरे बेहतर दिखाई दी, मगर शाहराए फैसल के बाद जो स्पॉट्स थे वहाँ पर भी हमें पानी जो है वो खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो जो है वो खासा मुतासर रहा और लोगों का मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय होता हुआ हमने वहाँ पर देखा। इस वक्त सूरत हाल अगर हम देखें तो शहर के अंदर 3 बड़े बरसाती नाले हैं जिनको मिलाकर अगर टोटल बड़े नालों की बात की जाए तो 38 बड़े नाले शहर के अंदर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा 550 के करीब जो है वो छोटे बरसाती नाले शहर में और शहर के मुजाफात में हमें दिखाई देते हैं, मगर इन तमाम नालों की सूरत हाल अगर हम देखें तो सिर्फ इंतज़ामी तौर पर जो 3 बड़े नाले हैं शहर के, कयूमाबाद का नाला है, गुजर नाला है और औरंगी नाला है, वहाँ पर हमने कुछ ना कुछ काम जो है वो गुज़िश्ता सालों में होता हुआ देखा है। वहाँ पर क्योंकि बड़े पैमाने पर तजावीज़ात कायम की गई थी तो वो इस अरसे के अंदर डिमोलिश की गई हैं और नाले को थोड़ा सा चौड़ा भी किया गया है ताकि पानी का फ्लो वहाँ पर बेहतर हो सके, मगर इस काम को कंटिन्यू नहीं किया जा सका क्योंकि वहाँ पर भी हमें अक्सर जगहों पर कचरे के अंबार दिखाई देते हैं और टनों जो कचरा वहाँ पर नालों में मौजूद होता है इसकी वजह से नाले जो हैं वो ओवरफ्लो करते हैं और यही वजह है कि माजी की बारिशों में हमने चाहे वो गुजर नाले के अतराफ़ के इलाके हों, मुजाहिद कॉलोनी हो, नाजमाबाद के कुछ हिस्से हों, लियाकताबाद के हिस्से हों, गरीबाबाद के हिस्से हों, वहाँ पर हमने रिहायशी आबादियों में पानी दाखिल होते हुए देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कयूमाबाद की या महमूदाबाद नाले की तो वहाँ पर भी गो के उसको चौड़ा करने का या उसको साफ़ करने का काम जो है वो गुज़िश्ता सालों में ज़रूर किया गया, मगर वहाँ पर भी सूरत हाल हमें बहुत सारे पॉकेट्स के अंदर इसी तरह दिखाई देती है कि वहाँ पर भी टनों कचरे के अंबार जो हैं वो मौजूद हैं और यही वजह है कि लोग जो हैं वो बजाय बारिश पे इंजॉय करने के लोग जो है वो आसमान पर जैसे ही बादल छाते हैं लोग जो है वो टेंशन में आ जाते हैं कराची वाले और उन्हें दिखने लगता है कि कुछ घंटों का ये खुशगवार मौसम होगा और उसके बाद जो मसाइब होंगे वो तकरीबन उन्हें महीना डेढ़ महीने तक भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि महमूदाबाद नाला जब ओवरफ्लो होता है तो कराची की एक मतमूल आबादी जो कि एक अच्छी आबादी है, कराची की पॉश इलाका इसे आप कह सकते हैं, कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी है, इसके अलावा दीगर जो अतराफ़ की आबादियां हैं वो ज़ेरे आब आ जाती हैं और वहाँ पर हमने बड़े बड़े बंगलों के अंदर पानी घुसते हुए देखा है और पानी जो है न सिर्फ घरों में दाखिल होता है बल्कि घरों के अंदरूनी कमरों के अंदर भी एक एक दो दो फीट तक पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फर्नीचर वगैरह जो है वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाता है। तो यहाँ पर सूरत हाल यही हम देख रहे हैं कि इस बार भी जो है वो नालों की सफाई जो है उसका खातिर ख्वाह काम जिसके दावे किए गए थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इंतज़ामी दावे हों या हुकूमती दावे हों। मशीनरी हमें कई कई जगहों पर काम ज़रूर करती हुई दिखाई दी है मगर जिस पैमाने पर और जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब क्योंकि मानसून सर पर आ चुका है, मानसून जारी है और अगला स्पेल जो है उसके बारे में कहा गया है कि वो मज़ीद शदीद हो सकता है और कराची में 2020 से मुशाबिया बारिश जो है वो हो सकती है और आपको याद होगा कि 2020 के अंदर कराची में जो बारिश हुई थी इसमें तकरीबन कराची जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब गया था और सूरत हाल को बेहतर होने में 3 से 4 दिन का टाइम लगा था। तो अब भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कराची में और सिंध के दीगर अजला में जो है वो मामूल से ज़ायद बारिशें होने की तवक्को है, तो कराची में अगर इस तरह की बारिश होती है और सिचुएशन इसी तरह की रहती है कि नाले जो हैं वो कचरों से भरे रहें तो यकीनी तौर पर कराची वालों को जो है वो एक बार फिर मुसीबत का, परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। कराची के जो 3 नाले हैं उनकी सफाई की अगर हम बात करें तो दोबारा जो है वो इस मानसून के आगाज़ पर सफाई का हुक्म दिया गया, वहाँ पर हमें कई कई जगहों पर मशीनें काम करती हुई दिखाई देती हैं मगर अफरादी क़ुव्वत जो है वो इतनी वहाँ पर दिखाई नहीं देती कि मुकम्मल तौर पर वो नाले साफ़ हो सकें, क्योंकि ये 3 नाले जो हैं ये शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रॉस करने के बाद जो है वो मलीर नदी के अंदर गिरते हैं और मलीर नदी जो है वो बाद
समंदर में गिरती है। तो इन तीन नालों को जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, मगर जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे नाले हैं, जो कहीं पे छोटे हैं, नैरो है उसका विड्थ, और कहीं पर जो है वो ज़्यादा भी है, मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो तजावीज़ात कायम कर दी गई हैं, जिसको तोड़ने के लिए फ़िलहाल कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ख़ास तौर पर गुलिस्तान जौहर का एरिया स्कीम 33 देख लें तो वहाँ पर फ्लैटों का एक जंगल आबाद है, जो कि नालों के ऊपर भी बसा हुआ है, और वहाँ पर जो है वो चीज़ों को डिमोलिश करना जो है वो आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आबादी जो है वो मौजूद है और फ्लैटों के अंदर लोग मुखीम हैं, जिन्हें वहाँ से हटाना और इसके बाद उन फ्लैटों को डिमोलिश करना और नालों को दोबारा से बहाल करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि इन लोगों को जो है वो दीगर जगहों पर पहले बसाना पड़ेगा और उसके बाद जो है कोई बात आगे चल सकेगी। तो बहुत सारे नाले जो हैं वो नामुमकिनात में से है कि उसको तोड़ा जाए या उसको दोबारा बनाया जाए, मगर वहाँ पर कचरा जो है वो अगर हम देखें तो वहाँ पर भी टनों के हिसाब से हमें कचरा दिखाई देता है, और यही वजह है कि कराची में गुज़िश्ता बारिशों में नोटिस किया है कि जो कारकर्दगी रही है बल्दिया उज़्मा कराची की, तो उसके हवाले से जो बड़ी शाराएँ हैं, शारा फैसल, शारा पाकिस्तान, ये तो किसी हद तक हमें क्लीन दिखाई देती हैं कि बारिश होने के 5-6 घंटे के बाद मुख्तलिफ जगहों से पानी का निकास मुमकिन हो जाता है, मगर जो दीगर इलाके हैं, गुलशन इकबाल का इलाका ले लें आप, लालू खेत का इलाका ले लें, गुलबहार ले लें, नाजमाबाद, नॉर्थ नवाबाद, कराची का कोई भी इलाका हो, या फिर अगर आप ओल्ड सिटी एरिया की तरफ आ जाएँ तो लियारी से लेकर, गार्डन से लेकर, खारादर से लेकर और क्लिफ्टन तक आप चले जाएँ, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात लोग फेस करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बिल्कुल भी जो पानी है उसका निकास नहीं हो पाता, और तंग गलियाँ होने की वजह से, गुंजान आबाद इलाका होने की वजह से और नालों के ओवर फ्लो होने की वजह से जो आबादियाँ हैं वो ज़ेर आब आती हैं और पानी निकलने में कई कई हफ्ते जो हैं वो लग जाते हैं, तो लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं।